हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, यानी कि आज है 22 30 तारीख। कितनी तारीख है आज? है 22 22 आज है संडे और इस टाइम बज रहे हैं 10:30। आज हम सभी लोग बहुत ज़्यादा लेट में उठे हैं और मैंने बनाई है भुंजिया भुंजिया बनाई है, वो भी प्याज वाली। प्याज वाली ही अच्छी लगती है। पकौड़ी बोलते हैं, पकौड़ी भुंजिया भी बोलते हैं, पकौड़ी यहाँ बोलते हैं। सॉरी, भुंजिया याद आ गया मुझे, भुंजिया भी बोलते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो फिर भी मुझे लगा कि आज का दिन स्पेशल है तो ब्लॉग तो बनाना ही चाहिए। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। हाय करो, वो देखो वो देखो वो देखो, हाय करो। कर दो, हम बाद में वो करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे। अच्छा, वॉइस ओवर करोगे? कैसे 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 कैसे? गाइस, आज छुट्टी वाला दिन है तो ये भी घर पे थे, तो मैंने कहा चलो बाबू की अलमारी क्लीन कर देती हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा मैसी हुई पड़ी है, क्योंकि ये जो है ना पूरा मैसी कर दिए थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे किए थे। और यहाँ पे बाबू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, डांस कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि जब उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं ना, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और खूब सारा इंजॉय करती है। वो सारे कपड़े पहन पहन कर फेंकती है, तो बस वही कर रही थी। और यहाँ पे मैं अलमारी इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने इनकी इस बाबू की जीन्स नहीं मिल रही थी, तो उन्हें वही पहनाना था। और पूरे कपड़े देखिए किस तरीके से फैला कर फिर उसी में भर दिए हैं, और ये खूब सारा इंजॉय कर रही हो। जो साइड में रखा हुआ बाबू का डायपर और अभी पैक है, मैंने उसे ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर छोटा सा बैग है बाबू का, जब भी वो नानी के यहाँ जाती है तो मैं सारे कपड़े उसके उसी में डाल के रख देती हूँ। और सारे कपड़े मैं कुछ इस तरीके से तय कर रही हूँ, जो ठंड के थे पहले क्या हुआ, मैंने ठंड के कुछ कपड़े तय किए और कुछ कपड़े मैंने साइड रख दिए। तो फिर मुझे एकदम से लगा यार ठंडे तो बिल्कुल जा चुकी है, तो बस मैंने 3-4 निकाले। फिर से मैं जो सारी कपड़े मैं रख रही हूँ इनको मैं फिर से निकाली हूँ, अभी आप देखिएगा। और देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया, साइड में थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, तो मुझे उतने अच्छे से कपड़े रखने नहीं आते हैं, तो वहाँ पर मैंने सोचा था जो बाबू के जितने फ्रॉक है वो सारे मैं रख दूँगी। और ये देखिए सारे कपड़े इस तरीके से मैं रख रही हूँ, जो फ्रॉक हैं सारी चीज़ें मैं एक साइड में रख दे रही हूँ, क्योंकि फ्रॉक की वजह से सब मिक्स हो जाता है उसी में। और फ्रॉक मैंने कुछ ऐसी पॉलिथीन वगैरह में करके रख दिया था, ठंड का टाइम था तो बाबू बिल्कुल भी नहीं पहन रही थी। तो ये सारे कपड़े मुझे रखने हैं, इतने कपड़े निकले, ये वाला फ्रॉक पिंक वाला छोड़कर बाकी सारे कपड़े मुझे रखने हैं। और इस तरीके से ये देखिए मैंने लगा दिए हैं, पहले मैंने रखा फिर मैंने निकाला, तो 3-4 मैंने ठंड के रखे हैं और इतने सारे कपड़े नीचे लग गए हैं। और इन्हें मुझे पैक करके बेड में डालना है, तो चलिए मैं फटाफट से इसको पैक कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़े जितने नीचे पड़े हुए थे सारे मैंने उठा कर मतलब पॉलिथीन में डाल कर रख दिया। अभी वो देखिए साइड में ऊपर सोफे के साइड में रखा हुआ है ना लाइन से, तो उन्हें मैं सुबह बेड में डालूँगी। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कपड़े नीचे रखती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। और बाबू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है ये देखिए। तो यहाँ पे साइड में मैंने एक छोटी सी डस्टबिन रख रखी है कि जैसे कभी मुझे बाहर नहीं जाना हुआ तो मैं उसमें सारी चीज़ें डाल दूँ, पिंक कलर की है। तो चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मैं। हेलो एवरीवन, और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5 बजने में 3 मिनट बाकी है। मेरे यहाँ सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, तो मैं भी अपने बाबू से बजवाने जा रही हूँ। अभी मैं आपको घड़ी का टाइम दिखा देती हूँ, ये देखिए उल्टा दिख रहा होगा इसमें, तो टावल टंगी हुई है और उसी के बगल में घड़ी है। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो चलिए अब हम भी मेरा डोर बाबू ए बेटू, ये है मेरा डोर। चलो पकड़ो 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 पकड़ो, बाबू ने बजाएगा, मम्मा बजाएगी, ये देखो आओ देखो ये देखो, नहीं बजाओगी? देखो सब बजा रहे हैं उधर, देखो बजाओ। और तेज तेज जाओ, हाँ ठीक है यहाँ। अरे मम्मा कहाँ जाएँ, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, जा। ना चलो, चलो। बस। बाबू
बोलू तो शंख लेके घूम रहा हर जगह। आशुक देख रही है। चाचा दिख रहेगा, चाचा दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा बज रहा है तो चलिए दिखाते हैं आपको, चलो। तो गाइस ये जितने भी लोग हैं सारे मेरी कॉलोनी के हैं और सारे ही लोग थाली बजा रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि अगर कोई कहता है हमसे बड़ा या चाहे नेता या जो भी हो उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो उनके कहने पे ये देखिए मेरी पूरे कॉलोनी में ही थाली बजी है और मैंने भी बजाई जैसा मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस आप लोग पूछ रहे थे मैं कौन सी नाइट क्रीम लगाती हूँ, तो मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ गुड वाइब्स की और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग करती है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है, नरिशिंग नाइट क्रीम है ये। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट करती है आपके फेस की, जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इतना सा लेके पूरे फेस पर आपको अप्लाई कर लेना है। मैं यही नाइट क्रीम लगाती हूँ, इससे पहले मैं हिमालय की लगाती थी। हिल रहा है कैमरा। और मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम थी तो वो भी मैं हिमालय की लगाती थी, बट अभी मेरा ठीक है तो अभी नहीं लगाती हूँ तुम्हारा वाला। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पतंजलि का लिप बॉम है। तो मेरे हाथ में थोड़ा सा एक मेरा फिनिश हो गया, ये देखिए बिल्कुल भी थोड़ा सा बचा है। नाइट क्रीम मैंने लगा ली, लिप ग्लॉस लगा लिया, लिप बाम लगा लिया जो है पतंजलि का। कहाँ जा रही हो? तो बस आज का दिन आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने बिताया। ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई मैं, फिर भी जो थोड़ा बहुत हुआ वो मैंने शेयर किया। तो चलिए ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।